और इसका जो फिटमेंट है वो देखिए आप, हाँ, एकदम पाइपिंग, एकदम कंपनी फिटिंग वाला लुक दे रहा है, वो लुक दे रहा है, राइट। एंड सो गाइज, एज यू कैन सी, ये फाइनल लुक आ चुका है। देखिए इस साइड देखिए काफी डलनेस है, और इस साइड हेडलाइट के ऊपर ही है ना कनेक्शन इसका। एज यू कैन सी, अभी पीछे दिखाते हैं ट्रंक लाइट, जो कि ये पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट कह सकते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे गाइस। अभी तो मैं आया हूँ रोडीज कार एसेसरीज के ऊपर। कुछ एक महीने बाद मेरा आना इधर हुआ, क्योंकि सचिन भाई का कॉल आ गया था कि भाई काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे, तो मैंने सोचा आज कवर कर ही लेते हैं सचिन भाई के स्टोर को बाहर से, कि एसेसरीज के बारे में तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया था, मॉडिफिकेशन ये सब कुछ, बट बाहर से क्या काम करते हैं वो लोग, लाइक डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज सचिन भाई के साथ। तो एक्चुअली सचिन भाई, आप मेरे को बताओ कि यहाँ पे अभी क्या काम चल रहा है अपने क्रेटा में? पास आइए, मेंटेनेंस के पर्पज से आइए। जैसे सिरामिक कोटिंग करते हैं ना, उसके बाद हम मेंटेनेंस देते हैं। हमारे पास पैकेजेस है जो 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स के पैकेजेस हम देते हैं सिरामिक में। हम टर्टल वैक्स ब्रांड का सिरामिक करते हैं, जो USA की ब्रांड है, और वो हमने इसमें किया है। तो आप देख सकते हो गाड़ी का कलर जो है वो पूरा डल हो गया था, ये मेंटेनेंस के लिए आई हुई है, और ये सारा कुछ इसमें हम लोग क्लीन कर रहे हैं, क्रोम से लेके ईच एंड एवरी आइटम को रिस्टोर हो रहा है। और ये आप देखो, इसका जो शाइनिंग है वो पूरा इस तरह से पूरी गाड़ी पे आने वाला, तो ये मेंटेनेंस में गाड़ी आई हुई है हमारे पास, और रिकोट हो रही है गाड़ी, कलर भी काम हमारे यहाँ होता है। फ्रंट बम्पर जो था वो डैमेज होके आया था, अपनी गाड़ी का फ्रंट बम्पर हमने रिपेंट किया, रिपेंट हुआ है जी, ये पूरा बम्पर रिपेंट हुआ है। सो बेसिकली रिपेंट होने के बाद कोटिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये पूरे दिन चलेगा इसका कोटिंग का प्रोसेस, और इवनिंग तक इस पर पूरा ग्लो आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको मैं दिखाना चाहूँगा हमारे पास एक किया की सोनेट, इसमें हमने एम्बिएंट लाइट एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है, लाइट इंस्टॉल की है, 6th generation जो एम्बिएंट लाइट हम इंस्टॉल करते हैं, जो अपने बलेनो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक्जेक्टली वही है। और इसका जो फिटमेंट है वो देखिए आप, एकदम पाइपिंग, एकदम कंपनी फिटिंग वाला लुक दे रहा है, राइट। एंड सीट कवर से जो वेंटिलेटेड टाइप सीट कवर्स आते हैं, हाँ, परफोरेशन वाले, परफोरेशन वाले वो हमने इसमें इंस्टॉल किए, और एम्बिएंट लाइट है, और काफी कुछ एसेसरीज का काम, लाइट अपग्रेड किए है, राइट, काफी कुछ अपग्रेड हमने किया है। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को हर एक टाइप की मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं, आप जो भी सोचोगे वो काम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा सचिन भाई के थ्रू, एंड एकदम जेन्युइन काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कुछ आफ्टर मार्केट या सब कुछ करवाया है, क्योंकि एकदम प्रोफेशनल स्टाफ है इनके पास, एंड सब कुछ नॉलेजेबल है, तो सब कुछ आप लोगों को एकदम परफेक्टली फिटिंग और सब कुछ के साथ मिल जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ आफ्टर मार्केट अंदर करवाया भी है काम। अब पुरानी गाड़ियों पे भी काम करते हैं, जैसे ओल्ड वैगनर है, हाँ, जो 20-15 साल पुरानी गाड़ी है, राइट, वो भी पूरी हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं ना, रिस्टोर कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है, सो डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है ये अभी, पूरा डेंट कूलर से प्रॉपर वे से इसमें डेंट हम लोग रिमूव करते हैं, राइट, आप देख सकते हो इसका जो डेंट रिमूवर भी है, प्रॉपर वे से हम इस पर काम करते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वैगनर आई है सचिन भाई के पास, जो कि पूरी रिस्टोर होने के लिए आई है, और ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी होगी ना, शायद से 20 साल पुरानी होगी, एंड एकदम स्क्रैच से वो लोग अभी एकदम ब्रांड न्यू कर रहे हैं। तो अभी इसका भी आप लोगों को ट्रांजिशन वीडियो तो देखने को मिलेगा, ये रेडी हो जाएगी बाद में मेरे को कॉल जरूर करना, अपने ऑडियंस को दिखाएंगे डेफिनेटली। तो गाइस, आप लोग देखिए कितने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है, अभी तो डेंट निकाल रहे हैं भाई, और यहाँ पे सब कुछ काम चल रहा है, इसके ऊपर अभी पेंट होएगा, बाद में इंटीरियर का काम होएगा ना अंदर, राइट। तो गाइस देखिए, अभी तो सब कुछ यहाँ पे जंक और ये सब कुछ है, अगर ये कार रेडी हो जाएगी बाद में हम लोग इधर डेफिनेटली आएंगे देखने के लिए, कि इसका पूरा आप लोगों को लुक दिखाएंगे कि क्या जेन्युइन काम होता है यहाँ पे अपने रोडीज कार एसेसरीज के यहाँ सचिन भाई के पास। तो आप लोगों के पास भी ऐसी कुछ पुरानी कार है, लाइक आप लोग ब्रांड न्यू बनाना चाहते हो, तो आपको अगर आपको आपकी कार से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, तो आप लोग मिल सकते हैं सचिन भाई को एंड विजिट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगा इनका काम, एंड आप लोगों ने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पर, तो सब कुछ मिल ही जाएगा आप लोगों को सब कुछ ही। तो अभी इसका पूरा रिस्टोरेशन का काम चालू है, तो देखिए आगे से ऐसा कुछ है, सब कुछ निकल रखा है, अभी पूरी तरीके से पेंट होगी इसके ऊपर और सब कुछ होगा, लाइक इस साइड से तो डेंटिंग पेंटिंग का काम हो चुका है, अभी इस साइड से भी होगा डेफिनेटली, बाद में पूरी रेडी होगी, बाद में हम लोग डेफिनेटली इसको चेक करने के लिए आएंगे। सो गाइस, एज यू नो कि आप लोगों को सचिन भाई ने बताई, अभी ये कार के पूरा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, अभी इसके ऊपर पॉलिशिंग हो चुकी है ना इधर, ये पूरा सरफेस अभी बाकी है, इधर अभी ऊन पेट लगा है, सिंगल हाथ लगा है, अभी एक कोट हुआ है ना, इसके बाद सिरामिक होगा, सिरामिक होगा,
राइट। तो गाइस ऐसे कुछ काम करते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग ये कौन सी पॉलिश है, ये सिरामिक की पॉलिश है, ये भी ये वाली, ये कटिंग है, कटर पॉलिश, राइट। तो इससे स्क्रैच और सब कुछ डाउन हो जाते हैं ना, तो पहले उसके ऊपर कटर पॉलिश होएगी ना पूरी कार के ऊपर, बाद में कौन सा कोट आएगा, इस फॉर्म पैड लगेगा, बाद में सिरामिक, राइट। तो ये रिस्टोरेशन के लिए आई है तो पहले करवाई हुई है ना, राइट। तो गाइज़ ये पूरी सिरामिक करी हुई कार है पहले से, बट काफ़ी रफ यूजेस है इसके कारण ऐसी डलनेस आ गई है, अदरवाइज़ नहीं आती ना इतनी डलनेस तो, क्योंकि वॉ प्रॉपर वॉश अच्छे से नहीं करते या फिर कुछ कपड़ा अच्छे से अच्छा नहीं यूज़ करते तो ऐसी डलनेस आ जाती है। अगर आप लोग सिरामिक करो या PPF करो इसके ऊपर स्क्रैचेस तो खराब तरीके से यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आएगा ही, बट आप लोग इसको रिस्टोर भी करवा सकते हैं अपने यहाँ पे, और आपको ये भाई मिल जाएगी इसके पास ही करवाना क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल बंदा है। देखिए अपनी कार में भी ये सब कुछ काम करते हैं, अभी आपको मेरे को वरना पे भी करके देना है पॉलिशिंग ये सब कुछ, एक बार हम लोग करेंगे ना, एक बार एक दिन डेफिनेटली आऊँगा टाइम लेके तभी करेंगे। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है काम अपना, तो इसको ख़त्म करते हैं एंड एक पैनल पहले कंप्लीट करते हैं, बाद में आप लोगों को पूरा ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस आता है पॉलिशिंग करने के बाद। सो गाइस कटर पॉलिश का जो भी काम था वो हो चुका है, अभी रबिंग है सब कुछ। अभी एक ये कौन सा प्रोडक्ट है, वैक्स है, इससे ग्लॉस ज़्यादा होएगी ना, तो ये ग्लॉस के लिए यूज़ करी जाती है जब भी आपकी कार को रिस्टोर करवाएंगे, आपकी कार की कंडीशन थोड़ी सी डलनेस हो रही सब कुछ हो गया, तो यही प्रोसेस आपकी कार में भी हो सकती है गाइस। तो देख सकते हैं अभी और ग्लॉस हो गया ना, इससे ज़्यादा प्रॉपर साइन आएगी, बाद में उसके ऊपर सिरामिक का भी एप्लीकेशन होगा ना, अप्लाई होगा ना सिरामिक हो जाएगा इसके बाद। अच्छा तो देखिए कुछ इस तरीके से उसकी रबिंग होती है लाइक इस मशीन से, तो प्रॉपर नॉर्मल जो स्वॉल मार्क्स है नॉर्मल स्क्रैचेस है वो भी निकल जाएगी इसके थ्रू, तो एकदम ब्रांड न्यू होके रेडी हो जाएगी ये क्रेटा। तो आप लोगों को अभी ये पूरा पैनल भाई रेडी कर दे, बाद में आप लोगों को पूरा ट्रांजिशन भी दिखाता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया है कि जब भी आप लोग प्लान करें ऐसा कुछ करने का तो आप लोग डायरेक्ट सीधा रोडिस कार एसेसरीज पे ही आके रुके, ताकि आप लोगों को एकदम बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिल सके। सो गाइज एज यू कैन सी ये फाइनल लुक आ चुका है, देखिए इस साइड देखिए काफ़ी डलनेस है और इस साइड देखिए पूरा ग्लॉस आ चुका है पहले की तरह, जो कि ब्रांड न्यू कार में आप लोगों को ग्लॉस मिलता है कुछ सेम एज इट इज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। ये मेंटेनेंस में है कार, अदरवाइज़ आपकी कार ऑलरेडी डल हो चुकी है, आप लोग सिरामिक करवा के भी ऐसे ग्लॉस ला सकते हैं, सिरामिक करेंगे तो इससे भी ज़्यादा ग्लॉस आएगी ना, तो आप लोगों को आप लोग इजीली देख सकते हैं कि क्या पूरा चेंजेस आ गया है। अभी तो एलॉय व्हील्स और ये सब कुछ पे होगा ना इसका, सब कुछ क्लीनिंग और ये सब कुछ, बाद में पूरी प्रॉपर कार एकदम रेडी हो जाएगी वॉश होके, बट देखिए आप लोग क्या चेंजेस आए हैं गाइस पूरा, एंड उसके ऊपर आप जैसे ही हाथ लगाओगे आप लोगों को पूरा जो रफनेस था वो सब कुछ निकल चुका है, तो और ग्लॉस भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो सिरामिक भी करवा सकते हैं रोडिस कार एसेसरीज के ऊपर, आप लोगों को हर एक टाइप के पैकेजेस मिल जाएंगे जो आप लोगों को सचिन भाई दे देंगे कॉल पे, या फिर आप लोग मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो अभी देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है कार, अभी रेडी होएगी, बाद में कुछ इस तरह की ग्लॉस आएगी, अभी तो एलॉय व्हील्स और ये सब कुछ पे भी एकदम प्रोफेशनली वर्क हो रहा है, देखिए सब कुछ डर्ट और ये सब कुछ निकल रहे, बाद में सब कुछ ही आप लोगों को क्लीन करके देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सिरामिक का कोई भी एक पैकेज लेते हैं 3 ईयर का 2 ईयर का और सब कुछ आप लोगों को पैकेज मिल जाएगा यहाँ पे, वो आपके ऊपर है आप कौन सा पैकेज लेते हैं, तो ऐसी कुछ प्रोसेस है गाइस। देखिए अभी तो ये पूरी कार रेडी होएगी, बाद में डिलीवर होएगी, तो अभी सिरामिक हम भी करवाने वाले हैं कुछ ही टाइम में अपनी वरना के ऊपर, इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे, तो आप लोगों ने वैसे तो देख ही लिया होगा कि क्या चेंजेस आते हैं अगर आप लोग सिरामिक नहीं करवाते हैं एंड करवाते हैं इसके बाद में। सो गाइज यहाँ पे इंटीरियर भी क्लीन करके देंगे वो लोग, एंड सब कुछ ही क्लीन होएगा लाइक इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो सब कुछ ही परफेक्ट करके दे देंगे वो लोग। अगर आप एकदम प्रोफेशनली करवाना चाहते हो तो आ सकते हो, पैकेज में ही आ जाओ। सो गाइज फिलहाल तो अभी काम चालू है वहाँ पे क्रेटा में, एंड अभी आप लोगों को बताता हूँ इस किया में मॉडिफिकेशन जो कि ऑलरेडी सचिन भाई ने बता रखा है, बट इसके अंदर कौन सी ब्रांड के लगा रखे हैं सीट कवर्स, योंकर्स के सीट कवर्स है जो लाइक आप लोगों को ऐसे कुछ परफोरेशन वाला देखने को मिलते हैं, आप लोगों को ऐसी फील देगा लाइक किसी को लगेगा कि ये वेंटिलेटेड सीट वाला है, बट ऐसा नहीं है, सिंपल सा है बट काफी मस्त है, एंड ये अवेलेबल सूरत में अपने स्टोर पे ही है ना, सिर्फ ओनली रोड इस कार एसेसरीज के ऊपर ही अवेलेबल है। और इसमें क्या क्या और चेंजेस करा हुआ है, जो एम्बियंट लाइट जो अभी आप लोगों को मैंने सचिन भाई ने भी बताई थी, बट अभी आप लोगों को प्रॉपर ऑन करके दिखाता हूँ। एज यू कैन सी गाइस कितनी मस्त लग रही है इसकी पाइपिंग देखिए, और फिटिंग जो कि एक नंबर है, ट्रंक लाइट भी फिट किया है जो ऐसे हेडलाइट के ऊपर ही है ना कनेक्शन इसका,
एज यू कैन सी अभी पीछे दिखाते हैं ट्रंक लाइट, जो कि ये पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट कह सकते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी मस्त लग रही है, जो कंपनी में वेन्यू देती है, शायद से सोनेट में नहीं देती है। और देखिए अभी ये पूरा रनिंग इंडिकेटर के साथ आती है, जो काफ़ी प्यारी लग रही है। और इसका मॉडिफिकेशन आप भी करवा सकते हो आपकी कार में। अभी तो फिलहाल तो नई नई कार्स में सभी में आने स्टार्ट हो गई है, बट आप लोग आफ्टर मार्केट भी आपकी कार में नहीं है तो करवाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से रोडिस कार एसेसरीज के ऊपर आके करवा सकते हो। यहाँ पे हर एक टाइप की लाइट्स भी अवेलेबल हो जाएगी, और कुछ भी और डलवाना चाहते हो वो भी आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और बात करें हम लोग एम्बियंट लाइट की, तो एम्बियंट लाइट में देखिए अभी काफ़ी मस्त है एकदम। मैं भी अपनी वरना में फ़िटिंग करवाने की सोच रहा हूँ एम्बियंट लाइट, बट अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है मेरा, शायद से कुछ महीने बाद मैं डेफिनेटली करवाऊँगा। बट यॉन्कर्स के सीट कवर्स काफ़ी मस्त है, लाइक हेड रेस्ट और ये सब कुछ के स्टिचिंग, और इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं रहेंगे आपके, जो कि काफ़ी मस्त है। और इसकी कॉस्टिंग क्या आती है ये सीट कवर्स की? 12,000 अराउंड। एंड एम्बियंट लाइट अपनी 6,000, ये एम्बियंट लाइट 6,000 में हो जाती है। देखिए गाइस 6,000 में ऐसी कुछ आप लोगों को एम्बियंट लाइट की फिटिंग मिलती है। देखिए अंदर से क्या ही प्यारी लग रही है, रात को तो इसका लुक ही कुछ इन्हेंस कर देती है। अभी आगे वाले डोर पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे कुछ एम्बियंस लाइट देखने को मिल जाती है आप लोगों को। और आप लोग और भी कुछ करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, लाइक रूफ लाइट और ये सब कुछ आप लोगों के नीड के हिसाब से ये लोग सब कुछ ही आप लोगों को मॉडिफिकेशंस करके दे देंगे। गाइस देखिए स्विफ्ट भी प्रॉपर रेडी होके आ चुकी है, एंड इसके एलॉय व्हील्स भी आ चुके हैं, क्या ही प्यारे लग रहे हैं। अभी जो डायमंड का ड्यूल टॉल में एलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए हैं, अगर ऐसे भी एलॉय व्हील्स आप लोग चाहते हो अपनी कार में इंस्टॉल करवाना तो रोडिस कार एसेसरीज पे हर एक टाइप के एलॉय व्हील्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर आइडिया आ गई होगी, एसेसरीज ये सब कुछ भी करवा सकते हो आप लोग यहाँ से। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।